माने तुम आप यार बहुत बढ़िया है ना ना बाकी भाई लोग भी वहां पहुंच चुके हैं, उनकी दुकान है, काफी बुजुर्ग अवस्था में भी आज भी मेहनत कर रहे हैं। बाकी यहां पर आराम से लकड़ी के चूल्हे पर यहां पर गर्मा गर्म जलेबी बना के बैठे हैं ताऊ जी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, और आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है हमारे गाँव से ठीक दोपहर में, और बहुत तेज़ धूप लगी अभी, और हमारी तैयारी हो रही है अभी जाने की नागचुला खाल फिर से एक बार, क्योंकि जब भी हम घर आते हैं और हमारा राउंड बन ही जाता है नागचुला खाल का। और मेरे साथ मौजूद है अभी हमारे क्षेत्र के मशहूर यूट्यूबर केसर भाई। नमस्कार दादा। और आज आए थे हमारे गांव में, तो काफ़ी इन्होंने आज यहां पे फुटेज बनाई है हमारे गांव की, शायद एक दो दिन में वीडियो अपलोड भी हो जाएगी। तो मैं तो अभी इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ, स्ट्रगल के दौर में हम दोनों अभी हैं। तो आज नागचुला की तरफ को जाने का मूड हो रहा है, और केसर भाई को भी छोड़ना है, तो केसर भाई भी हमारे साथ आज सुबह ही आ गए थे, तो आज जा रहे हैं हम नागचुला की तरफ को। तो बिल्कुल दादा, आज दादा के गांव में आए थे घूमने के लिए, और काफ़ी कुछ खास इस गांव में मुझे लगा, क्योंकि मैं लगभग 12-13 गांवों में घूम चुका हूं, 12-13 गांवों को मैं कवर कर चुका हूं। तो इस गांव में मुझे काफ़ी कुछ देखने को मिला, क्योंकि आज के समय में आपको पता होगा ही कि जंगली जानवरों का इतना बड़ा आतंक हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग काफ़ी अच्छी खेती कर रहे हैं, काफ़ी साग सब्जी फल फ्रूट उगा रहे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस गाँव में आकर, और साथ में दादा का सपोर्ट बहुत है। तो जी हम पहुंच चुके हैं नागचुला खाल के आसपास, और आप देखेंगे व्यू काफ़ी सुंदर सा व्यू आ रहा है पीछे, और पूरी दोदा तोली वाली बेल्ट हमें दिखाई दे रही है। और साथ में आए हैं आज चाचा जी गांव के, और वन ठन के देख सकते हैं, और यहां पे हैं पप्पू भाई भी। खेमो भाई थोड़ा फ़ोन पे व्यस्त हो रखे हैं। हेलो, तो आज फिर से लगभग एक हफ्ते बाद फिर से हम यहाँ टपक पड़े हैं। ले जी, जो हमारे टूर में आज साथ दे रहे हैं, जो साथी हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। और सामने से ये हैं केसर भाई, जिनका घर है रोड़िया बाखल, और सामने है चाचा जी, इनका नाम है बिपिन चंद फुलारा, और ये भी हमारा साथ दे रहे हैं आज घूमने के लिए। और ये हैं खेमू भाई, कल ही देहरादून से आ गए हैं, तो घर में बेचैनी बहुत हो जाती है, और इसलिए घूमना जरूरी है। बिल्कुल घूमना भी जरूरी है, घूमना जरूरी है, वैसे रिफ्रेशमेंट के लिए एक बार घूमना जरूरी है, नया एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और आजकल देखिए मौसम पूरा देखिए, सामने कितनी हरियाली सी छाई हुई है, सामने पूरी दूधा तोली बेल्ट दिख रही है, घना सा जंगल दिख रहा है, और सामने ये गांव रह गया हमारा चिंतोली गांव, और वाले रेंज को बोलते हैं फुलांग करके। हाँ, फुलांग, फुलांग, यहाँ से पूरा दूधा तोली वाला बेल्ट शुरू हो जाता है, काफी बड़ा रेंज है, और वहाँ से तो तगड़ा व्यू दिखाई देता है। कभी चलेंगे उस साइड को भी। चलिए जी, हम पहुंच चुके हैं नागचुला खाल मार्केट में, और उतर चुके हैं, मेरे साथ पप्पू भी है, और लगातार वीडियो बना रहे हैं। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आगे कैसी कैसी दुकानें हैं, और कुछ मुझे लगता है कुछ पुरानी दुकानें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और अभी दिन में काफ़ी सुनसान सा दिख रहा है, खूब सारी गाड़ियाँ पार्किंग पर लगी हुई हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी दुकानें भी हैं जहाँ बिल्कुल सारा सामान आराम से मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आराम से लकड़ी के चूल्हे पर यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी बना के बैठे हैं ताऊ जी, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर चाउमीन वगैरह हैं, समोसे हैं। तो इस तरह से आपको नागचुला खाल मार्केट में जो चीज़ें हैं आराम से मिल जाएंगी। ताऊ जी नमस्कार, क्या हाल चाल, कहाँ आपका गाँव, आपका गाँव कहाँ हुआ? लंबाड़ी। अच्छा, लंबाड़ी गाँव है। अच्छा, अल्मोड़ा में आते हो आप? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। क्या रेट है जलेबी? 120 रुपए किलो। चलिए जी, जब भी कभी आप नागचुला खाल मार्केट विजिट करते हैं, तो यहाँ पर ताऊ जी की शॉप में जलेबी ज़रूर टेस्ट करें, काफ़ी स्वादिष्ट जलेबी है। चलिए जी, नागचुला खाल मार्केट तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब इस मार्केट की शुरुआत हुई थी, तो सामने बैठे बूबू जी ने ही शुरुआत करी थी स्टार्टिंग में। तो बूबू जी से थोड़ा जानकारी लेंगे इस मार्केट के बारे में, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत सा मार्केट है। तो सबसे पहले बूबू जी आपको नमस्कार। बूबू जी कुछ बताइए फिर इस मार्केट के बारे में। हमने इसमें 77 में दशहरा दिया था, और दशहरा मंडल हुआ जी एमपोर्ट से 77 में आपने दुकान खोली यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर दुकान बनाया। तो उस टाइम पर कितनी क्या क्या आसपास था? आसपास कुछ नहीं था, यही था यहाँ पर, सबसे शुरू हमने बनाई। अच्छा, तो आपने यही दुकान खोली चाय वगैरह की? हाँ। अच्छा, तो आपकी उम्र क्या होगी अभी?
आपके मेहरबान 76 साल। 76 साल, हाँ ठीक है। आपका घर कहाँ हुआ? घर चिंतोली। अच्छा, चिंतोली अल्मोड़ा में आते हैं आप। चलिए जी, काफ़ी अच्छा लगा बहू जी से बातचीत करके। और यहाँ पे सामने उनकी दुकान है, काफ़ी बुजुर्ग अवस्था में भी आज भी मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहू जी आपका। चलिए जी, यहाँ पर मौजूद हैं भाई साहब के साथ और नाकचुला खाल में बहुत अच्छा सा सेटअप इन्होंने लगा रखा है और यहाँ पर अपनी काश्तकारी जो है उसको यहाँ पर अपना एक रोज़गार का साधन भी बना रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खूब सारे यहाँ पर ये जितने भी हथियार होते हैं खेती में यूज होने वाले, उन पर जो धार लगाने का काम है या उन पर कोई रिपेयरिंग का काम है तो यहाँ पर वो भाई साहब करते हैं। तो भाई साहब से जानकारी लेंगे वो कहाँ के हैं और क्या कब से यहाँ पर दुकान उन्होंने खोल ली है। दुकान तो हमारी अभी नई है, 15-20 दिन हो रखे हैं। अच्छा। और हम बिजनेस से यहाँ आ रखे हैं रोजगार की। अच्छा, आपका जो गांव है वो चमोली में पड़ता है? चमोली में पड़ता है हमारा गांव। ठीक है ठीक है ठीक है। गरसैन ब्लॉक के हम। तो इससे अच्छी खासी इनकम आपकी हो ही जाती होगी? हो ही जाएगी, आ रखे हैं आप तो हो ही जाएगी इनकम। चलिए 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 चलिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका ये रोजगार बहुत अच्छे से चले, फिर दोबारा कभी मुलाकात होगी आपसे। चले जी, हम पहुंच चुके हैं रोहेड़ा बैंड पे और ये देख सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत सी दुकानें यहाँ पे हैं और यहाँ पर हमारे खीमू भाई की भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। यादें जुड़ी, मैं यहाँ पे 2 साल रहा हूँ, 2015-16 मैंने स्कूलिंग यहीं से करी है। और यादें जुड़ी हुई है यहाँ पे। खीमू भाई ने यहाँ से स्टडी कर रखी है, लगभग हाई स्कूल कर रखा है ना? इंटर। हाँ, इंटर यहाँ से कर रखा है। पहाड़ में अगर कहीं भी घूमने के लिए निकलते हैं तो हर जगह मौसम काफ़ी खूबसूरत सा हो रखा है और आप देख सकते हैं गांव की छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर रोहेड़ा बैंड पे हैं जो नाकचुला खा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो फिलहाल हम आ चुके हैं वो पप्पू भाई के साथ, तो आगे हमें कहाँ जाना है ये प्लानिंग तो अभी फ़िलहाल नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ पे हमने खाना खाना है और खाने का ऑर्डर दे रखा है, तो यहाँ पर खाना खाएंगे उसके बाद आगे चलेंगे। चले जी, यहाँ पर फिलहाल हम पहुँच चुके हैं मस्त वाटरफॉल पे और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार कर रखी है और देख सकते हैं सामने बहुत सुंदर सा झरना बह रहा है। चलिए देखिए, बाकी भाई लोग भी वहाँ पहुँच चुके हैं। चले जी, एक बार फिर से पहुंच चुके हैं नाकचुला खाल मार्केट में और यहाँ पर बिस्कुट बेकरी की दुकान है और यहाँ पर खीमू भाई बिस्कुट ले रहे हैं। हेलो भाई, बहुत सुंदर दुकान, मज़ा आ गया। और यहाँ पर जो बेकरी है वो बिल्कुल कोयले की आंच पे, जितने भी बिस्कुट और यहाँ पर ये बनते हैं सारे कोयले की आँच पर पकते हैं। देखिए आंटी कितनी मस्त तरीके से यहाँ पर बिस्कुट बनाने की प्रोसेसिंग में लगी हैं। हाँ मैं, नमस्कार, ठीक से तुम? सब बढ़िया? बढ़िया मैं बढ़िया। तुम आगो कुछ? हम आगो यख है। अच्छा, कति साल में तुम हुआ? हाँ साल तो ज्यादा कम नहीं थे, 80 ज्यादा हुए बोल। अच्छा, इन 80 सालों में तुम उन आप इलाके में के परिवर्तन देख? बहुत परिवर्तन हुए बोल। पहले तो रोड नहीं थी, स्कूल नहीं थी, मुला अब सब कुछ है, हॉस्पिटल सुविधा आएगी, रोड आएगी। अच्छा, तुम यू आप गाँव में पहने यू हूँ क्या बोल? जनता के काम हूँ, क्या काम है मेन के मकसद ये है? ये लीजिए। अच्छा, आप भाग्य लीजिए, किस्मत लीजिए। और ये जो दूसरा पहने तो मुझे फूल फूल जैसे होंगे। अच्छा, और जो तुम उन हाथों में पहने यू हूँ क्या? मैं बाबू दिया जी,
कुछ मान कति साल पहले हो तुम्हारा ब्याह लगभग जब तू कति साल से आठ नौ साल में ब्याह हुई और जन की आजाल बुआरिया चल जाना परदेश उड़ जाना वन तुम्हारा कुछ नहीं गई मैंने तुम्हारा बुआर बहुत बढ़िया ना ना बढ़िया सी दगड़ दगड़ काम करना था ये बढ़िया किचन अजाल को करना तुम लोग काम इनका यूं बोलना की यूज तुम्हारा कारोबार है परदेश में हिट जाना नहीं हिट जाना तुम देखने वाला हमसे पहले तुम फूल छे तुम्हारा बुआर में नहीं बतेर भाई हमारा माँ बाबू लोग भल संस्कार दे तुम उन विजय मेला बोलो।